ये घर है ब्रजभूषण शरण सिंह का। ये गोंडा वाला घर नहीं बल्कि दिल्ली का वो सरकारी आवास है जो बतौर सांसद उन्हें मिला हुआ है। ये घर जंतर मंतर से थोड़ी दूर पर है। ऐसे में जब पहलवानों के अलावा किसान और खाप पंचायत के लोग भी धरने पर बैठ गए हैं, तब इन सबको देखते हुए ब्रजभूषण के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि घर के पास जब पंजाब के कुछ किसान हमारे सहयोगी को मिले तो उन्होंने कहा कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो पंजाब से यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुँचे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। सर आपका क्या नाम है? बिंदर सिंह मौड़ कलां, भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर। आज यहाँ पर आप प्रदर्शन करने आए हैं, आपका क्या कहना सर शरण सिंह के खिलाफ? क्या कहना चाहते हैं? शरण सिंह के खिलाफ कहने एक कुड़ियों साफ मिलना चाहिए, कड़ी तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह का घर भी है यहाँ पर, आप देख रहे हैं वहाँ पर करे नहीं हम गए। साडा हक है शांति शांति में ना प्रदर्शन करना, सरकार तक गल पहुंचाउणी, ते साडा हक है रोस करना कि सरकार इन कड़ी तो कड़ी सज़ा देवे, जेड़े कुड़ियां नाल नानसाफी हुंदी है इन्हां नूं इंसाफ दवा। आपका क्या नाम? मेरा नाम बंत सिंह है जी। आप क्या कहना चाहेंगे? असीं भी कहना चाहवांगे जो कुड़ियां नाल बेइंसाफी हुई है उहदा इंसाफ असी करा के हटांगे। साडी भारती किसान सिद्धूपुर ये यूनियन पहले दिन आई है जी, हुण इन्हां दे नाल ही असीं समर्थन देवांगे। जिन्ना चिर ये धरना चलूगा इन्हां नूं बिलकुल वो बनती सज़ा दवा के हटा। प्रदर्शन में आज ही आए? आज ही आए, पहले दिन आए हैं, तो अज तो साडा अंदोलन इन्हां दे नाल शुरू है। जब भी सानूं सद्दा देंगे असीं इत्थे हाजिर होवांगे। निर्दोष तां अगला तां कहिंदा ही हुंदा जी, उसने धक्का करे, सानू की अंदोलन लड़न की लड़ सी, जो बेटी ने धक्का होया तां इत्थे तक गल पहुंची है, इसका बिल्कुल इंसाफ दवा के रहा। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं जो पंजाब हरियाणा के किसान हैं वो इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने में लगे हैं, आप नहीं आप मानते हैं सर? नहीं मानते, असं ऐ कहना चाहते हैं भी जी बेइंसाफियां दी वो अलग गल है, साड़ी जिहड़ी इस अंदोलन लड़ के गए उस दे विच साडा कोई रोल नहीं, साडा तां इसे नाल ही रोला जो बेटियां ने धक्का होया, चाहे बेटी हरियाणे की होवे, चाहे पंजाब की होवे, चाहे हिमाचल की होवे, चाहे मध्य प्रदेश की, असीं नाल खड़े। लेकिन जाट वर्सिस राजपूतों की लड़ाई भी अपने सामने देखने को मिल रही है। जातिवाद की कोई लड़ाई नहीं जी, जड़ी अंदोलन की लड़ाई है, हम लड़ाई लड़ते हैं, ये सांझी लड़ाई है, धीआं की लड़ाई है, धीआं की इज्जत की लड़ाई है, ये कोई होर जातिवाद कुछ नहीं। तो आपने देखा लोगों का साफ तौर पर कहना है ब्रजभूषण शरण सिंह को जब तक सजा नहीं मिल जाएगी इन लोगों का धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। जंतर मंतर से भारत जवान।